और राजस्थान अगर 5 साल पीछे पिछड़ा है तो उसकी सबसे बड़ी जो सज़ा है वो हमारे युवा ही काट रहे हैं। ये जो आक्रोश है, ये नतीजा इसका रहेगा कि सरकार 4 महीने के बाद खत्म होगी। जो चोरी करते हैं वही तहकीकात कर रहे हैं, वो जो पेपर लीक हुए वो इन्हीं की, जो इनके रिश्तेदारों की अकेडमी इसके अंदर पहुंचे। जन आक्रोश है, पूरी सड़कों पे निकला हुआ है। जो राजस्थान के अंदर 4.5 साल के अंदर जिस तरह से पूरे प्रदेश को लूटा, हर वर्ग के साथ धोखा दिया, चाहे वो युवा हो, महिलाओं हो, चाहे वो किसान हो, हर तरह से। और राजस्थान अगर 5 साल पीछे पिछड़ा है तो उसकी सबसे बड़ी जो सज़ा है वो हमारे युवा ही काट रहे हैं। ये जो आक्रोश है, ये नतीजा इसका रहेगा कि सरकार 4 महीने के बाद खत्म होगी। कैसी जान चल रही है आज? योजना भवन सचिवालय का आप घेराव करने आए हैं, तो ईडी की क्या कुछ जान चल रही है, क्या कुछ आ सकता है इसका परिणाम? देखिए, जो 16 पेपर हुए, 16 पेपर रद्द हुए, 16 पेपर लीक हुए, वो जो पेपर लीक हुए वो इन्हीं की, जो इनके रिश्तेदारों की अकेडमी इसके अंदर पहुँचे, उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हो रही। कर भी रहे तो जो चोरी करते हैं वही तहकीकात कर रहे हैं, CBI को आने नहीं दे रहे। किस बात की घबराहट है गहलोत साहब को? ईडी को रोक नहीं सकते, तो ईडी आ रही है, तहकीकात कर रही है, मात्र शुरुआत है। इन्होंने कहाँ मिलेगा? इन्होंने जो जल जीवन मिशन में भी घोटाले करे हैं, इन्होंने जो रीट के घोटाले करे हैं, जो इनके माइनिंग के घोटाले हैं, उसके ऊपर तो तहकीकात चलेगी। अभी तो सरकार का क्या कुछ रहेगा? करप्शन को खत्म कर देगी? ऐसे पेपर लीक के मामले दोबारा नहीं होंगे बीजेपी के कार्यालय में अगर बीजेपी की शासन का दायित्व यही होता है? जब पूरी की पूरी सरकार आपके पास हो, जब पुलिस महकमा आपके पास हो, तो ये तो आपका दायित्व बनता है कि कानून इस तरह से बने कि जनता के हित के लिए हो। अगर आप पेपर को ही नहीं बचा सकते तो राजस्थान को क्या बचाएंगे? ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।